तो यार मेरे पास आप लोगों के लिए एक अच्छा सा सरप्राइज दिखाती हूँ। तो हे गाइस नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। तो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। और मुझे आप बताना मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ या नहीं। अगर आपको मेरी डेली ब्लॉगिंग पसंद आती है तो मैं डेली बनाऊंगी, अगर नहीं आती तो हम कभी कभी बनाएंगे कहीं अच्छी सी जगह जाके। तो करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। तो चलिए, अंदर ब्रेकफास्ट चल रहा है, ज़रा क्या बना है। चलो, बना है आलू के पराठे, बटर एंड दही। शेफ पीछे मेरे भगवान बहुत सारे। ये आज खुली हुई है, नहीं तो नीचे गिरती। तो यार मैं हो चुकी हूँ तैयार, तैयार होके भी लग रही हूँ ऐसी ऐसी पहले भी लग रही जैसी। मैं सो थोड़ी तो लगूंगी अच्छी, पर मैं अच्छी लगती क्योंकि मैंने मुंह ही धोया, बाकी मैंने कुछ नहीं धोया। चलती हूँ, पता नहीं कहाँ जा रही हूँ मैं। चलो आप बने रहो, जहाँ भी जाएगी साथ चलेगी आपकी। यार मैं इधर पहुँच गया थे रास्ते में, ऊपर से जा रही हूँ पैदल। साथ चक्का मैंने अपने ये फेंटा और ये दो डिस्पोजल। ये मैं बताती हूँ आपको मैंने क्यों चक्का है। थोड़ी सी अच्छी सी बर्फ दिखने दो मुझे, तो दिखाती हूँ मैं क्या काम करती हूँ। थोड़ा ऊपर पहुँचती हूँ, कहीं फोन टिकाने के लिए जगह हो ना, तब दिखाऊंगी आपको कि क्या करूँगी मैं अभी। ऐसा तो आपको आइडिया हो ही गया, इसमें बर्फ डालनी, बर्फ के बीच मिलाना, उसको पीना, मतलब मजे आ जाएगी। हाय फिर पैदल थक जाते हैं यार, क्या बोलो बाप से। मैंने बाजू भी इसी दर्द हो जाती है ऐसे फोन पकड़ के, पता नहीं क्यों। अभी नीचे नीचे भी नहीं गई बर्फ, मतलब अभी तो इतनी है बराड़ी साइड में, ऊपर को तो मॉल साइड बहुत ही होगी। तो जा रही हूँ, क्या पता आज कॉलेज तक भी जाओ, क्योंकि अभी तक मैं कॉलेज नहीं गई। क्लासेस तो नहीं पता मेरे को कब से होगी, पर कॉलेज के दर्शन नहीं किए कब से। सोचती हूँ कॉलेज तक जाओ, देखती हूँ अगर मिला कोई साथी कॉलेज के लिए तो जाएगी, अगर नहीं भी मिला तो मन किया तो अकेले भी जाएगी, क्या इसमें जाना ही तो है। तो देखती हूँ कहीं अच्छी सी बर्फ, फिर एक्सपेरिमेंट। अच्छी सी बर्फ यहाँ पे, अच्छी और साफ सुथरी बर्फ, और मैं फोन टिकाती हूँ कहीं और देखो आप एक्सपेरिमेंट। ठंडा ठंडा इस तरह से हुआ पड़ा हुआ है, देख सकते हो आप। तो यार मेरे पास आप लोगों के लिए एक अच्छा सा सरप्राइज दिखाती हूँ। ये लो। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? काफी टाइम बाद दीदी शिमला आए, बहुत अच्छे हो गए गाइस। बोलो क्या बोलूं, गाइस ये गुल्ली है बहुत परेशान करती है सर। अभी भी परेशान ही करती हूँ यार, कैसे हो यार? जिंदगी में गाइस इसने परेशान करना सीखा है। गाइस आपको पता है इसने इतनी इम्पोर्टेंट चीज भूल गई ना, ये इसको खुद को पता नहीं। प्लीज क्या चीज याद दिलानी पड़ती है 11 12 12 दिन के बाद भूल जाते हैं यार, छोटा सा दिमाग, इतनी बातें तो पूछती है, खुद भी छोटी हूँ, दिमाग भी छोटा है। बेइज्जती करवा रहे हो। तो आज दीदी ना किसी अर्जेंट काम से आई शिमला, कभी बताऊंगी मैं आपको अगर मौका मिला तब जरूर बताएंगे फिर शूट करके, क्यों बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। किस करे आप कॉल? नीचे ना यार कीचड़ कीचड़ हुआ है, इसका मैंने जूते तो लाए ठीक जिससे मेरे कपड़े ना हो खराब, ऐसे तो हर दिन होते खराब। यार आज पता नहीं क्या हो गया, मैंने ये सिर्फ स्वेट शर्ट और एक टी शर्ट डाली है, उसमें ऐसी ठंड लग रही है ना, मतलब मौसम अच्छा है लेकिन फिर भी लग रही है ठंड। अभी जा रहे हैं मॉल की ओर, जरा क्या खिलाते हैं आज दीदी। वैसे तो मेरा पिज्जा खाने का मन है, इनका तो ऐसा है कि पिज्जा नहीं खाना तो नहीं खाना। अब इन तो काफी टाइम से नहीं खाया पिज्जा, कसम से आज तो मैं कोशिश करूंगी कि दीदी मुझे पिज्जा खिलाए। मॉल की
कुछ ऐसे हालत थे और पीछे बर्फ देखो आप, देखो बर्फ इतनी बर्फ है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, भीड़ भी काफी है, वैसे सर्दियों बहुत होती है। मैं आस्ते तो नहीं बोल रही हूँ, लगता है मेरे को जल्दी माइक लाना पड़ेगा। नहीं मैं कुछ चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ ना तो मेरा गला भी खराब हो जाता है, मैं इतनी जोर से बोलती हूँ। अभी पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा या नहीं। तो ये कुछ मॉल की हालत आजकल, धूप पड़ी है, धूप सेक रहे मजे से। देखती हूँ आज काफी टाइम बाद मॉल आई हूँ और इसके बाद पता नहीं कब आना होगा, क्योंकि यहाँ कह के मैं बोर हो चुकी हूँ बहुत ज्यादा। यार दीदी ने पिज्जा तो खिलाया नहीं, कुछ और ही खिलाया। अभी लंच तो कर दिया मैंने, अभी मुझसे मिलने आए हुए है मेरे दोस्त, तो थोड़ा सा उनसे भी मिल लेती हूँ, उसके बाद पता नहीं कब आना हो मेरा इधर। यहाँ यहाँ है ये मिल गए, ये चले भरे भरे। क्या हाल है ब्रो, व्लॉग बनाते हो अभी? नहीं नहीं छोड़ दिया, इधर भी इधर भी। अभी जा रही हूँ मैं इवनिंग कॉलेज तक, और इसलिए जा रही हूँ मैं क्योंकि मैं क्या बोल रही थी, मैं जा रही हूँ इवनिंग कॉलेज। इवनिंग कॉलेज मैं इसलिए जा रही हूँ, शालू जो मेरी दोस्त है वो खुद नालायक है, उसका कुछ काम है, उसके लिए जा रही हूँ मैं। वो तो है ही है नालायक, और पता नहीं कब मिलेगी मेरे को, मिलेगी काफी समय से। तो 15 से उसका एग्जाम है, उस दिन देखते हैं मिलेगी तो। और मैं कॉलेज भी नहीं गई, मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि दीदी बोल रही थी कीचड़ी कीचड़ हुआ पड़ा है, मत जा फालतू में। तो मैं नहीं गई, मंडे से मेरी क्लासेस है, तो मैं मंडे से जाऊंगी कॉलेज, पर मैं यहाँ तक जाती हूँ ऊपर तक। ये देखो तान्या, ये खतरनाक आदमी है, आपको देखो खूंखार बंदे शिमला के। ये है इवनिंग लाइब्रेरी, और अब चलिए वापस, सब शिक्षा का काम हो गया। ऐसे बार को भी अच्छा खासा व्यू दिखता है, ये जाखू दिखता है। यार जाखू नहीं गई मैं आज तक, ये अभी तक बर्फ पड़ी हुई है, मतलब नीचे रुकी हुई है। यात्रा दीदी वगैरह तो निकल गई थी घर थोड़ी देर पहले ना, और थोड़ा सा रुकी थी दोस्तों के साथ गपशप काफी टाइम बाद, तो मैं भी अभी थोड़ा सा लेट निकली। और ठंड हाथ ना शून्य जैसे हो गए पूरे, मतलब मैंने एक ही स्वेट शर्ट ही पहन के गई थी सिर्फ। मतलब मैं यही सोचती हूँ कि मैंने क्या सोच के पहनी सिर्फ ये स्वेट शर्ट, इतनी गंदी ठंड लग रही है ना अभी जाके, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बीमारी पड़ जाऊंगी। तो आपको सीधा मिलती हूँ मैं रूम पे, जरा क्या हो रहा है क्या बन रहा है, थोड़ा सोऊंगी रेस्ट करूंगी। कॉलेज का तो जैसे कि पता है आज कैंसिल ही हुआ। देखो यार रास्ते में पेड़ पूड़ गिरा है या काट कूट के रखा है, गिरा हुआ है शायद यहाँ पे। कैसा ठीक यार हो गया, और मैंने आज का ब्लॉग जो है ना समाप्त नहीं किया। रूम के आने के बाद तुरंत मैं नहीं सोई थी क्योंकि मैं थी किसी काम में लगी हुई, जिस वजह से ब्लॉग नहीं बनाया, मतलब रूम आके। फिर अभी एंड तो कर देती हूँ इसको, कम से कम उसके बाद बनाते रहेंगे रूम में। तो क्या है दिन कहीं निकले नहीं जा रहे, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। और तो बाय, गुड नाइट।